नहीं पर्व है प्यारा, इसको मनाता है जग सारा। इस दिन कृष्ण ने जन्म लिया था, नाश सभी दुष्टों का किया था। कृष्ण के भक्त बड़े हर्षाते मिलकर जन्मोत्सव को मनाते, घर आंगन मंदिर को सजाते, कृष्ण की महिमा बड़ी ही प्यारी, महिमा गाती दुनिया सारी। विष्णु जी के ये अवतारी, जन्म लिया कई राक्षस मारे, भक्त जनों को पार उतारे, दीन दुखी की पीड़ा मिटाई। कैसे इनका जन्म हुआ था और कहाँ जा कर के पला था, आओ तुमको सभी बताएं। बहुत बड़ा था अत्याचारी, दुखी थी उससे जनता सारी, जनता पर अत्याचार वो करता, देव की उसकी बहना न्यारी, कंस को थी प्राणों से प्यारी, बहन को करता था बड़ा प्यार, वासुदेव संग ब्याह कराया, भाई होने का फर्ज निभाया, आई विदाई की जान घड़िया, नभ से हुई तब आकाशवाणी, सुन ले कंस मूर्ख अभिमानी, देव की आठवीं संतान, सुन कर के आकाश की वाणी, घबराया था कंस गुमानी, म्यान से निकाल ली तलवार, अपनी मौत से पहले मैं देव की को दूं मार, यही सोच कर कंस ने निकाल लिया तलवार। देख के कंस का रूप भयंकर, वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से फिर वो कहने लगा, मेरी प्रार्थना सुनिए जरा, बख्श दो देव की के तुम प्राण, जो मेरी होगी संतान, पास में अपने नहीं रखूंगा, दोनों को बंदी गृह में डाला, कंस ने किया अति बुरा हाला, बोला देव की वासुदेव से, एक कर बालक के साथ कंस ने मार किया था पाप, आठवें की जब आई बारी, कंस ने बढ़ा दी पहरेदारी, दोनों को बेड़ियों में जकड़ा, चारों तरफ घना किया था पहरा, लेकिन विधि को कौन मिटाए, ईश्वर सबके काम बनाए। कैसे कृष्ण का हुआ था जन्म, आओ बताएं इसका कथन, कैसे प्रभु धरती पर आए, आओ तुमको कथा सुनाए। बंधन बेड़ियों के थे छूटे, जेल के खुद ही ताले टूटे, सो गए सारे पहरेदार, अष्टमी थी भादो महीने की, रात घनेरी अंधियारी थी, कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था कारागर में, विष्णु ने दिखलाए दर्शन, बालक बन कर के नारायण देव की जी की गोद में आए, आगे उनको बात कुल में मुझको ले जाओ, यशोदा की बेटी ले आओ, सब समझाया नारायण ने, देर करी नहीं वासुदेव ने, नन्हे कृष्ण को गोद में लेके चले वसुदेव, वर्षा जोरों से होने लगी, गरज रहे थे मेघ,
वासुदेव चले कृष्ण को लेकर जमुना जी का बढ़ा जल स्तर। वासुदेव मन में घबराए उनको कुछ भी समझ नाए। यमुना कान्हा को पहचानी चरण को छू कर घट गया पानी। वासुदेव यशोदा के पास में आए प्रभु को छोड़ बालक छोड़ यशोदा के घर बालिका को गोद में लेकर वापस आए कारागार में उनको कुछ भी समझ ना आए। विष्णु ने फिर खेल रचाया दोनों को बेड़ी से बंधाया। बच्ची ने मारी किलकारी कंस तलक जब खबर ये पहुंची मारने उसको आया धर्मी। धरा पे पटका जब बच्ची को कंस से बच्ची कहने लगी सुन ले ध्यान से कंस ओ पापी तेरा मिटाएगा जो ना। बच्ची की सुन कर के बातें कंस की जैसे रुक गई सांसें। बच्ची बनी विंध्यवासिनी माता कृष्ण ने जब मारी किलकारी खुशियों की फूटी थी फुलवारी। गोकुल गांव में आनंद छाया नंद यशोदा भी हर्षाए खुशियों से फूले न समाए। देखने कृष्ण की मोहिनी सूरत गोकुलवासी महल में आए। कोई ढोल नगाड़ा बजाए कोई मंगल गीत सुनाए। नंद बाबा भी बाटे मिठाई कृष्ण का जन्म हुआ था जब नाचे गोकुल सारा। गोकुल की इस भूमि का अलग है आज नजारा। कंस था लेकिन बड़ा दुराचारी मारने को अब कृष्ण मुरारी। पूतना को था कंस ने भेजा कृष्ण को ले आकाश में उड़ गई। दूध कृष्ण को पिलाने लग गई कृष्ण ने उसको मार गिराया ना उसका चलने पाया। कंस ने भेजे थे कई राक्षस मार सका ना कोई अब तक। जो है सबको मारने वाला ने योजना एक बनाई युद्ध की प्रतियोगिता कराई। उसमें बुलाए कृष्ण कन्हाई कृष्ण ने अपनी कला दिखाई। सब राक्षस को मारे कन्हाई अंत में बारी कंस की आई। युद्ध हुआ दोनों में भारी कृष्ण ने कंस को मार गिराया। कंस का सब अभिमान मिटाया कारागार से बंदी छुड़ाए दुख बंधन से मुक्त कराए। देव की वासुदेव उग्रसेन को कैद से मुक्त कराया सबको। सारा ही अधर्म मिटाया धर्म ध्वज फिर से जब जब पाप बढ़ा धरती पर तब तब आए हरि नर बनकर। पापी अधर्मी मारे सारे जन्माष्टमी प्यारा उत्सव धूमधाम से मनाते हैं सब। गाते हैं खुशियों के तराने पर कृपा करना मोहन हाथ जोड़ करते हैं वंदन। नित दिन तेरा करते ध्यान शर्मा का करना कल्याण। श्री कृष्ण भगवान का करता जो पूजन मिट जाती उस प्राणी की जीवन की उलझन।